बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और बलबीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया, हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों नहीं बाबा, आज हमारे आसाम राज के अंदर हमारी प्रजा वो खुशियां मना रही है। महाराज आज आज के आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो। जो तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो, कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर वो हमारी हवेली की तरफ आता है तो खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहिए। राजकुमारी जी अब ठीक हो गई है। बलबीर सिंह आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से? नहीं महाराज नहीं, ये तो सब माँ काली की कृपा है। और जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाओ। शिवाजी तुम यहाँ की देखभाल बराबर करते रहना और मैं चल रहा हूँ। मेरा बेटा अमन आज का जो बहुत ज्यादा खुश गया, जाग के तो तब इधर उधर काले गया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या बात है अभी तक वो लौट कर नहीं आया। मुझे प्यारी की जिंदगी आने का ये समय। मम्मी आज मैं अपने दोस्तों के संग उनके घर चला गया था, इसीलिए मुझसे देरी हो गई है। आई एम सॉरी मम्मी। बेटा दी ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करूँ तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, अच्छी तरह मालूम कि तुम्हारे घर भी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो और फिर अब बच्चे नहीं रहे, सेनानी भी।
इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरह मालूम है कि ये माना बेहद खराब चल रहा है। ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, देखिए बेटा एक बात तेरी समझ में नहीं आती, आज काफी दिन हो चुके हैं जब से तुम्हारे डैडी ड्यूटी गए हैं, ना तो उन्होंने फोन किया है ना तो उनका कुछ हाल कर दिया है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। क्या मम्मी पापा ने आज भी फोन नहीं किया है? नहीं बेटा। मम्मी हो सकता है कि कोई कारणवश पापा को फोन करने का वक्त ना मिला हो, आज का दिन हम उनका वेट करेंगे। अगर वो फोन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खुद फोन लगाकर पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्हें फोन करने का वक्त नहीं मिला है। हाँ पापा, हम माँ बेटी आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे भाई जी। जी पापा जी। क्या बातें कर रहे थे? हम लोग यही सोच रहे थे कि आज काफी दिन गुजर गए हैं, कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि हमारे पापा जी को फोन करने का वक्त नहीं मिला है। हाँ बेटी, कुछ ऐसी बात थी जो फोन करने का वक्त नहीं मिला, और फिर आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। खुशी सुनकर माँ बेटी खुश हो जाओगे। स्वामी जी कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं, जरा हम लोगों को भी बताइए। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी अब वो ठीक हो गई है। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई। हाँ स्वामी जी, राजकुमारी की ठीक हुई तो कैसे इसी आसाम राज के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा कृषि जंगल है, और उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मर रहे थे। जब मैं बाड़ा पर मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रात्रि से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन लोगों ने बताया मैं बाबा कल्याणी मंदिर के पास जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ वहां पहुंचा तो बाबा का चमत्कार देखा, सैकड़ों की भीड़ लगी हुई थी, लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। ये नजारा देखकर मैं दंग रह गया, और यही बात दरबार पहुंचकर महाराज के समक्ष पेश किया, और महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मंदिर के पास पहुंचा दिया। मां काली की कृपा से और बाबा की दुआ से राजकुमारी जी मुसीबत से निजात पा गई है। स्वामी जी ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये पैगाम सुनकर आज आप लोगों को भी बेहद खुशी दी। खुश होना चाहिए, पूरे आसाम राज में खुशियां मनाई जा रही है, और ढोल नगाड़े से लोग जश्न मना रहे हैं, अपने अपने घरों में दीपक जला रहे हैं। एक खुशी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हूँ? स्वामी जी आपसे